हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और किस तरह हम अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग की आखिर हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस का और आपने अपने यूज़र को वो प्रोग्राम दिया। तो जब वो यूज़र उस प्रोग्राम को चलाएगा, उसमें अपना डाटा देगा, तो वो डाटा आपके वेरिएबल्स में स्टोर होगा। फिर जब वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा यूज़र आपके प्रोग्राम को चलाएगा, तो वो डाटा जो उसने पहले डाला था वो उस प्रोग्राम में प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब इस क्यों नहीं प्रेजेंट होगा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में दो टाइप की स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज में जैसा कि आपकी रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, मतलब कि उसमें कोई भी चीज़ स्टोर्ड नहीं होती है, वो आपकी टेम्परेरी स्टेट में अवेलेबल रहती है। और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते खुद, तब तक वो अपना स्टोर रहता है अपना स्टोरेज में। तो जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो मेमोरी मिलती है वो रैम से मिलती है। तो आपका सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है उसे आपके रैम से मेमोरी मिलेगी। तो जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, जब तक वो मेमोरी में आपका जो डाटा है वो रहेगा। फिर जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होगा, वो सारी मेमोरी रिलीज होगी और आपका सारा डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आपका प्रोग्राम दोबारा चलाएगा, तो उसको वो डाटा जो उसने पहले एंटर किया था वो नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के कि हम अपने फाइल में जो डाटा जो हमने प्रोग्राम में डाटा ले रहे हैं उसे स्टोर करा सके, और नेक्स्ट टाइम अगली बार जब हम प्रोग्राम चलाएं अपना, तो वापस से वो डाटा रिट्रीव कर सकें, उसके लिए हम सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग करते हैं। तो सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग जो हमें जो डाटा है हमारा, उसे परमानेंटली हमारे हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज जो है उन पे स्टोर करना अलाउ करता है। अब जो आपके फाइल में जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोग्राम है जिसमें आप डाटा जो आप यूज़र से ले रहे हैं, जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, तो उसमें से जो डाटा आपको अपने फाइल में राइट करना है वो आप आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके अपने फाइल में राइट करते हैं, और जो डाटा आपको अपनी फाइल से रीड करना है वो आप इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करके रीड करते हैं। आप इसे ऐप से समझ सकते हैं, जैसे आपका जो कंसोल है उसे आप समझ लीजिए आपकी फ़ाइल है। तो अगर आपको कंसोल पे डाटा प्रिंट करना होता था तो आप सी आउट का यूज़ करते थे, आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते थे। उसी तरह अगर आपको अपने फाइल में डाटा राइट करना है तो आप आउटपुट स्ट्रीम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वैसे ही अगर आपको कंसोल से डाटा रीड करना होता था अपने प्रोग्राम में, तो आप सी इन का यूज़ करते थे, इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते थे। उसी तरह फाइल हैंडलिंग में भी हम अगर फाइल से हमें डाटा रीड करना है तो हम इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि किस केस में हमें कौन सा स्ट्रीम यूज़ करना होता है। उसके बाद जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी हम फंक्शंस या क्लासेस यूज़ करेंगे, वो सारे हमारे एफ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है, जो लाइब्रेरी है हमारी एफ स्ट्रीम, उसमें प्रेजेंट होता है, और एफ स्ट्रीम हेडर फाइल होती है इसकी। और जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है उसके अंदर जो मेन तीन क्लासेज है जो हम यूज़ करेंगे वो ये होती हैं। सबसे पहली होती है ऑफ स्ट्रीम क्लास, ओ मतलब यहाँ पे आउटपुट, तो ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम कह सकते हैं हम इसे। तो ये ऑफ स्ट्रीम क्लास जो होती है वो हमारी हमें फाइल क्रिएट करने के लिए और फाइल में डाटा राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारा इफ स्ट्रीम क्लास यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, तो इसका हम यूज़ करते हैं फाइल से डाटा रीड करने के लिए। और जो एफ स्ट्रीम क्लास है, फाइल स्ट्रीम क्लास, इसे हम दोनों ही काम कर सकते हैं, डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो जो हम कोई भी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो उनमें ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो मैं आपको पहले एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है, फिर हम एक एक करके इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने फाइल को एक नाम देना होता है, उसके बाद हमें अपनी फाइल को ओपन करना होता है। अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो हम उसे ओपन करेंगे, अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद है हम जो हमने फाइल ओपन करी है उससे डाटा रीड करना होता है, और उसके बाद हम किस तरह अपने जो फाइल हमारी है उसमें डाटा राइट कर सकते हैं, और लास्ट में जब हम सारा काम अपने फाइल से रिलेटेड कर लेते हैं तो हम फाइल को क्लोज करते हैं। तो जो हम फाइल को ओपन करते हैं किस तरह करते हैं, तो हम फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से एक फाइल को लिंक करते हैं, और फिर बाद में हम उसी स्ट्रीम के थ्रू उस फाइल में डाटा रीड या राइट कर सकते हैं। तो सपोज़ आपको जो फाइल ओपन करना है दो तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज़ आप कोई सबसे पहला तरीका तो है कि कंस्ट्रक्टर का जो है स्ट्रीम क्लास, उसका यूज़ करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो सपोज आप कोई आउटपुट स्ट्रीम का मतलब आप कोई आउटपुट
स्ट्रीम का यूज़ करके फाइल में डाटा राइट करने के लिए कोई फाइल को खोलना चाहते हैं, तो आप आउटपुट स्ट्रीम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला आप पास करेंगे फाइल का नाम इन्वर्टेड कोमाज में, और दूसरा होता है उसका फाइल मोड। फाइल मोड अब हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। तो ये दो आर्गुमेंट्स हमें कंस्ट्रक्टर को पास करने होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना करें, तो दूसरा तरीका होता है आपका ओपन फंक्शन जो होता है एफ स्ट्रीम क्लास में प्रेजेंट, उसका यूज़ करके। तो पहले आप क्या करें करिए कि आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए आपका जो भी स्ट्रीम क्लास है उसका। यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल पे आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, ऑफ स्ट्रीम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एफ आउट, और फिर इस ओपन फंक्शन को हम कॉल करेंगे। जैसे जैसे भी किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं हम किसी क्लास के, तो हमारा ऑब्जेक्ट है एफ आउट डॉट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे जैसे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वैसे सेम यहाँ पे पहला फाइल नेम और फाइल मोड हम यहाँ पे पास करते हैं। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में जो फाइल है उसे ओपन कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जो फाइल मोड्स मैंने बताए, तो फाइल मोड्स बेसिकली किस मोड में अपने फाइल को आप खोलना चाहते हैं वो बताते हैं। तो सपोज आप अपने फाइल को अपेंड मोड पे खोलते हैं, तो इस तरह आपको जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये पास करना होता है iOS अपेंड app। तो जो आपकी फाइल है वो अपेंड मोड में खुल जाएगी। इसका मतलब कि जो भी आप अपने फाइल में डाटा राइट करेंगे वो एंड में जाएगा आपके फाइल के, जहाँ पे एंडिंग हो रही होगी उसके बाद डाटा आपका राइट होना स्टार्ट होगा। और iOS 8 जो होता है वो भी फाइल को ओपन करता है, और जो जो हमारा फाइल का पॉइंटर है जहाँ से हम डाटा रीड राइट कर रहे हैं वो एंड में पहुंचा देता है। लेकिन 8 और अपेंड में डिफरेंस होता है कि 8 में हम पीछे जाके भी पूरे फाइल में कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन अपेंड में सिर्फ हम लास्ट में जो है फाइल के उसमें अपेंड कर सकते हैं डाटा। और तीसरा होता है iOS in, ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें फाइल से डाटा रीड करना है उसके लिए, अगर रीड मोड पर हमें खोलना है फाइल को। और iOS out हम अगर हमें फाइल को राइट मोड पर खोलना है। और iOS trunk, ट्रंक क्या करता है, अगर कोई फाइल पहले से प्रेजेंट है जिसे हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके सारे डाटा को पहले इरेज कर देगा, फिर उसमें दोबारा से स्टार्टिंग से हम डाटा एंटर करेंगे। और अगर फाइल नहीं है पहले से तो नई फाइल क्रिएट कर देता है। और जो हमने अभी क्लासेस देखी थी ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम, अगर हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें उसमें जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो कंपल्सरी नहीं होता, वो अगर हम नहीं भी पास करें तो चल जाएगा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसकी वो ऑफ स्ट्रीम क्लास के लिए iOS out होती है। इसका मतलब कि हम डाटा को राइट करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं। और जो हमारी इफ स्ट्रीम क्लास है, इफ स्ट्रीम क्लास में भी सेकेंड आर्ग्यूमेंट कंपलसरी नहीं होता, वो बाई डिफ़ॉल्ट iOS in होता है, यानी इनपुट स्ट्रीम इनपुट लेने के लिए, यानी फाइल से डाटा रीड करने के लिए। लेकिन जो एफ स्ट्रीम क्लास है उसमें आपको कंपलसरी है जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है फाइल मोड पास करना, क्योंकि ये दोनों ही काम कर सकता है। इनके केस में तो समझ में आता है कि ऑफ स्ट्रीम क्लास जो हम यूज़ करते हैं वो फाइल्स से डाटा राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस इफ स्ट्रीम क्लास हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एफ स्ट्रीम दोनों ही काम कर सकता है, इसलिए हमें इसमें यहाँ पे कंपलसरी होता है सेकेंड फाइल मोड जो है वो पास करना। तो ये था ओपनिंग ऑफ फाइल, किस तरह हम अपने फाइल को प्रोग्राम में खोल सकते हैं। उसके बाद है किस तरह हम फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। तो फाइल से डाटा रीड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम फाइल को आप एक तरह समझ लीजिए कंसोल है आपकी, तो कंसोल से डाटा रीड हम किस तरह करते हैं, सीन का यूज़ करके। तो उसी तरह फाइल से हम डाटा रीड करना चाहते हैं, तो जो हमने फाइल जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रीम का, एफ स्ट्रीम क्लास का, इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास का, उसके साथ हम ये जो CN के साथ ऑपरेटर यूज़ करते हैं सेम वही ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करके फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई वेरिएबल है उसमें मैं डाटा स्टोर कराना चाहता हूँ फाइल से, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखूंगा, फिर ये CN के साथ जो ऑपरेटर देता है वो दूंगा, और फिर वेरिएबल का नाम दूंगा, तो इस वेरिएबल में मेरा जो फाइल से डाटा है वो स्टोर हो जाएगा। और दूसरा है इसके बाद है कि हम किस तरह फाइल में डाटा को राइट कर सकते हैं। तो जैसे हम कंसोल पे डाटा हमें प्रिंट करना होता तो हम Cout का यूज़ करते थे, तो उसी तरह अगर हमें जो फाइल है उसमें डाटा राइट करना है, तो हमारा जो ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम ये जो Cout के साथ ऑपरेटर यूज़ करते हैं सेम वही ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जिस वेरिएबल का डाटा हमें राइट करना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो सपोज़ ये वेरिएबल कुछ कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहा होगा, तो हम एफ आउट और ये स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो जो स्ट्रिंग ये स्टोर कर रहा है वो हमारी फाइल में राइट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि किस तरह हम फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं और किस तरह हम फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं। उसके बाद है जब हम किस तरह अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जब हमारे फाइल का काम खत्म हो जाएगा पूरा, तो हमें लास्ट में फाइल को क्लोज करना होता है, मतलब कि जो हमने फाइल को अपनी स्ट्रीम से लिंक किया था उसे हमें वापस से अनलिंक करना होता है। तो वो कैसे करते हैं हम,
सिंपल है, सबसे सबसे सिंपल है क्लोज करना फाइल को। जो भी आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, फिर डॉट, उसके बाद क्लोज फंक्शन। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, सपोज कोई हमारा एफ आउट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डॉट क्लोज, तो ये हमारी जो भी फाइल इसके साथ लिंक्ड होगी उसे क्लोज कर देगा। उसके बाद इसमें फाइल पोजिशन पॉइंटर्स और होते हैं फाइल हैंडलिंग में। तो सपोज जैसे हमने अभी देखा कि जो अपेंड मोड होते हैं वो एंडिंग में हमें ले जाते हैं, कुछ मोड में हम स्टार्टिंग में होंगे। लेकिन अगर अपने प्रोग्राम में आप जो अपनी फाइल है उसमें आप रैंडमली मूव करना चाहते हैं किसी भी पोजिशन पे, तो आप ये सीक भी फंक्शन है, इनका यूज़ कर सकते हैं। सीक जी फंक्शन जो है हम इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और सीक भी फंक्शन जो है हम वो ऑफ स्ट्रीम क्लास के फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, तो ऑफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिंटैक्स दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई हमारा फिन ऑब्जेक्ट है स्ट्रीम क्लास का, तो उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे सीक जी को, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे फिन डॉट सीक जी। और उसके अंदर ये दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, पहला होता है एन कि कितने कैरेक्टर्स हमें मूव करना है, और दूसरा होता है कि किसके रिलेटिव मूव करना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो आई एस बिगिनिंग होता है। और ये क्या बताता है, जैसे अगर हम आई एस बिगिनिंग देते हैं, इसका मतलब है कि हम जो मूव करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में फाइल में एन करेक्टर्स, वो बिगिनिंग के करस्पॉन्डिंग मूव करना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैंने इसमें सीक जी 5, आई एस बिग पास किया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी फाइल की स्टार्टिंग है उससे 5 करेक्टर आगे जो भी पोजिशन है वहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है फाइल का वो मूव कर जाएगा। उसके बाद होता है आई ओ एस करेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो जो करंट पोजीशन थी हमारे फाइल पॉइंटर की उसके रिलेटिव मूव करेगा ये। और आईओएस एंड में क्या होता है, जो हमारी फाइल की एंडिंग है उसके रिलेटिव जो हमारा पॉइंटर है वो मूव करेगा। जैसे सपोज मैंने इसमें वही सीक जी 5 पास किया, 5, आईओएस एंड, तो क्या होगा, जो हमारी फाइल की एंडिंग है उससे 5 कैरेक्टर पीछे हमारा फाइल पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में रैंडमली मूव कर सकते हैं जो हमारी फाइल है उसके अंदर। उसके बाद लास्ट में होता है हमारा ई ओ एफ। ई ओ एफ फंक्शन क्या बताता है, इसको हम स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, तो ऐसे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो भी हमारा डॉट उसके बाद ई ओ एफ लिखते हैं, तो ये फंक्शन एक बुलियन रिटर्न करता है। जैसे अगर आपका जो प्रोग्राम है अगर वो एंड में पहुंच गया है, तो ये जो ई ओ एफ फंक्शन है वो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। मतलब अगर आप बीच में कहीं भी अपने प्रोग्राम के हैं तो हर बार 0 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर अपने प्रोग्राम के आप एंड में पहुंच चुके हैं, जो आपकी फाइल है उसके एंड में पहुंच चुके हैं, तो ये 1 रिटर्न करता है। तो ये था फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ फाइल हैंडलिंग का, कि किस तरह हम प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फाइल हैंडलिंग की हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी होगी। तो जैसे कि हमने देखा था जो फाइल हैंडलिंग की हेडर फाइल होती है वो होती है एफ स्ट्रीम। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइल ओपन करेंगे और उसमें कुछ डाटा राइट करेंगे, और फिर उस डाटा को उसी फाइल से वापस रीड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि हमें डाटा फाइल में राइट करना है। तो मैं ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एफ आउट, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन करने के लिए पहले हमें फाइल नेम पास करना होता है। तो सपोज़ मैं अपने फाइल का नाम लॉग डॉट टी एक्स टी रख लेता हूँ, और के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रीम के केस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आई ओ एस आउट। तो यहाँ पे मैं अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट इसे आई ओ एस आउट मोड में खोलेगा। अब मुझे अपने फाइल में डाटा राइट करना है, तो डाटा राइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, और उस स्ट्रिंग में जो भी मुझे डाटा राइट करना है उसे शोर कराऊँगा, फिर उस स्ट्रिंग को अपने जो एफ आउट मैंने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू राइट कर दूंगा फाइल में। तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैसेज, और इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ वेलकम टू हिंदी शिक्षा। अब इस जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है इसे मुझे अपने जो फाइल है उसमें राइट करना है, तो मैं एफ आउट का यूज़ करूँगा। और एफ आउट का यूज़ किस तरह करूँगा, जैसे आप इस तरह समझिए कि ये एफ आउट हमारा सी आउट की तरह काम कर रहा है, और ये कंसोल हमारी फाइल है। तो सी आउट का हम कैसे यूज़ करते हैं, सी आउट और जो ऑपरेटर होता है लेस देन, फिर जो भी हमें वेरिएबल वहाँ प्रिंट करना है, उसी तरह मुझे अगर अपनी फाइल में राइट करना है इस मैसेज वेरिएबल को, मैं क्या करूँगा, एफ आउट लिखूँगा, फिर लेस देन, फिर ये मैसेज वेरिएबल। तो इस मैसेज वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो हमारे फाइल जो है लॉग डॉट टी एक्स टी उसमें राइट हो जाएगा। तो ये हमारा अब इस प्रोग्राम जैसे हमारा जो फाइल से रिलेटेड काम था वो हो गया है। तो लास्ट में मैं अपने फाइल को क्लोज कर दूंगा, फाइल डॉट क्लोज।
तो हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो कंपाइल हो गया है और रन हो गया है। तो हमारी जो फाइल है लॉग डॉट टी एक्स टी वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब कैसे कंफर्म करें कि क्रिएट हुई कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। और ये हमने जो लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल में जो ये वेलकम टू हिंदी शिक्षा स्ट्रिंग स्टोर कराई है उसे रिट्रीव करके वापस कंसोल पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो किसी फाइल को फाइल से रीड करने के लिए डाटा हम क्या करते हैं, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने इफ स्ट्रीम क्लास लिखी और उसके बाद सपोज इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया फिन नाम से, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन करता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर को मैं फाइल नेम पास करता हूँ और हमारी फाइल का नेम क्या था, लॉग डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर भी मैं सेम नाम पास करूँगा फाइल का, लॉग डॉट टी एक्स टी। और ये बाई डिफ़ॉल्ट इसे इनपुट मोड पे खोलता है, यानी कि हम फाइल से डाटा रीड करने वाले हैं। तो अब मुझे फाइल से जो डाटा रीड करूँगा उसे स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं सपोज स्ट्रिंग मैसेज वेरिएबल बना लेता हूँ। और ये फिन का यूज़ करके हम कैसे रीड करेंगे, जैसे एक कंसोल से हमें डाटा रीड करना होता है हम क्या करते हैं, सीन का यूज़ करते हैं और ग्रेटर देन साइन का यूज़ करते हैं। उसी तरह हमें फाइल से रीड करना है डाटा मैसेज वेरिएबल में, तो हम फिन के साथ ये जो ऑपरेटर है इसका यूज़ करेंगे और मैसेज ऐसे लिख देंगे। तो हमारा जो मैसेज वेरिएबल है उसमें हमारी फाइल से डाटा रीड हो जाएगा, लेकिन हमें फाइल में जितना डाटा है सारा रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप में हम चेक करेंगे कि हमारी फाइल का एंड तो नहीं पहुँचा है, जो ई यू एफ फंक्शन मैंने आपको बताया था उसका यूज़ करके। तो अगर ये एंड में पहुँच जाएगा तो एंड में क्या रिटर्न करेगा, वन। तो जब ये वन रिटर्न करेगा तब हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ। तो जब जैसे ही ये फिन डॉट ये वन रिटर्न करेगा यानी फाइल का एंड पहुँचेगा, ये नॉट उसे वन को क्या करेगा, ज़ीरो बना देगा। और वाइल ज़ीरो पे क्या होगा, हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस फिन में डाटा रीड कर रहा हूँ उसे कंसोल पे प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल हमने बनाई थी अभी और उसके अंदर जो डाटा राइट किया था, उस डाटा को ये हम लूप लगा के जब तक एंड पे नहीं पहुँच जाता एक एक करके रीड करते जाएंगे और कंसोल पे उसे प्रिंट करते जाएंगे। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। और देखिए हमारा जो ये मैसेज था वेलकम टू हिंदी शिक्षा वो प्रिंट होता है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर जो हमने डाटा स्टोर कराया था अपने फाइल में वेलकम टू हिंदी शिक्षा वो प्रिंट हो गया है। अब सपोज़ हमें वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी जो फाइल थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में मैं लास्ट में हिंदी शिक्षा के बाद ट्यूटोरियल भी अपेंड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को किस मोड पे खोलूँगा, अपेंड मोड पे। तो अपेंड मोड हमने देखा था iOS app हमें लिखना होता है अपेंड मोड में खोलने के लिए। और मैं क्या चाहता हूँ, इसमें जो ये वेलकम टू हिंदी शिक्षा है इसके बाद लास्ट में मैं ट्यूटोरियल अपेंड कर दूँ। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं ये मैंने एफ आउट को अपेंड मोड पे खोला तो हमारा जो फाइल का पॉइंटर है वो एंड में होगा। और उसके बाद फिर मैं एफ आउट मैसेज करूँगा अगर, तो ये जो हमारी फाइल है उसमें लास्ट में ट्यूटोरियल जो हमने मैसेज में स्टोर कराया है, मैसेज स्ट्रिंग में स्टोर कराया है, उसे अपेंड कर देगा। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, तो इसने हमारी फाइल में ट्यूटोरियल अपेंड कर दिया होगा। अब इसे चेक करने के लिए हम दोबारा से जो हमने फाइल रीड करने वाला पार्ट था उसे अनकमेंट कर दिया है। अब दोबारा से हम फाइल को रीड करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है कंसोल पे, कि हमारी फाइल में वो स्टोर हुआ है कि नहीं, जो हमने लास्ट में ट्यूटोरियल अपेंड किया है वो अपेंड हुआ कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप वेलकम टू हिंदी शिक्षा ट्यूटोरियल जो हमारी फाइल में सक्सेसफुली अपेंड हो गया था, तभी हम यहाँ पर उसे रीड कर पा रहे हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।